गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वी आर डूइंग चैप्टर 6 लर्निंग अबाउट वर्क। एंड प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू द चिल्ड्रन लर्न क्विकली, वेरी क्विकली, एंड दे इंजॉय हेल्पिंग देयर पेरेंट्स एट होम, एंड दे लर्न मैनी वर्क लाइक क्राफ्ट, जॉब फ्रॉम देयर पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर child watches his father and learn to sow the seed and look after the crops. And we have read one example of Rupa, and he learned how to net and clay, how to net the clay and shape objects. So they seal the pots to earn money. Dear student, I also explained any work done to earn money is called an occupation. कोई भी काम जो कि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? Occupation. And people do different type of jobs to earn a livelihood. Or after that I have give you one example, and we have read about, do you know, in Himachal Pradesh there is a district Chamba, there are kumhars and they are expert in making beautiful pitches, sarais from storing water, pot for storing grains, and handis with lids for preparing food. They also make toys and lamps of different type. Now we will read the next example. Jamila's embroidery is very neat. So there is a woman and her name is Jamila. He do embroidery. वो क्या करती है? Embroidery. She uses colorful threads, needle, and wooden frame to make designs on saris, kurtas, cushion covers, and bed शीट्स। सो वो क्या करती है? वो बहुत ही सुंदर कलर्स फुल जो थ्रेड्स हैं, धागे हैं, उसका यूज़ करती है, नीडल, इसमें वो धागा डालेगी वो, एंड वुडन फ्रेम जिसके अंदर की कपड़ा रखा जाता है, फिर उससे टाइटली क्लोज किया जाता है, फिर उसके अंदर ये जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है, कढ़ाई की जाती है। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी का मतलब कढ़ाई करना। टू मेक डिज़ाइन, किस किस पर डिज़ाइन बनाते हैं वो? ऐसा करके साड़ी के ऊपर, कुर्ताज के ऊपर, कुशन कवर्स, ठीक है, कुशन कवर होते हैं बेड के ऊपर, उन पे भी जो है ये एम्ब्रॉयडरी करते हैं, बेड शीट्स पर भी क्या करते हैं? एम्ब्रॉयडरीज करते हैं। हर मदर टॉच हर द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। और जो उसकी मदर है उन्होंने ही जमीला को क्या है? सिखाया है एम्ब्रॉयडरी करना। मीन्स अपनी मदर को वो देखकर ही जो उन्होंने सिखाया है उससे वो एम्ब्रॉयडरी करना सीख गई है। जैसे कि रूपा ने के फादर ने उसे जो है पॉट बनाना सिखाया था, वैसे ही यहाँ पर जो जमीला है उसको उसकी मदर ने क्या है? एम्ब्रॉयडरी करना सिखाया है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप देख सकते हैं, एक जमीला है, उसकी मदर है साथ में, तो दोनों क्या कर रहे हैं? एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं किसी कपड़े के ऊपर। एंड टेलर मेकिंग ड्रेसेस। और जो टेलर है वह करते हैं ड्रेसेस बनाते हैं। ठीक
Arun has a tailoring shop at Lawrence Road. So, जो अरुण है इनकी जो टेलरिंग शॉप है जहाँ पर जाके ये कपड़े सिलते हैं वो कहाँ पर है, लॉरेंस रोड है वहाँ पर है. ही स्टिचिज क्लोथ्स फॉर विमन लाइक शर्ट, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स, ब्लाउज एक्सेट्रा. और ये क्या करते हैं, जितनी भी विमेंस हैं, जितनी भी औरतें हैं, उनके कपड़ों को सिलते हैं. और क्या क्या सिलते हैं, शर्ट्स भी सिलते हैं, ट्राउज़र्स भी सिलते हैं, स्कर्ट्स भी सिलते हैं, ब्लाउज भी सिलते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं ये स्टिच करते हैं. ही लर्न टू कट एंड स्टिचिज क्लोथ्स फ्रॉम हिज फादर. सो इन्होंने क्या किया है, अपने फादर को देखकर ही क्या सीख लिया, जो ड्रेस को कटिंग करना, शेप देने के लिए और उनको सिलना. ठीक है, जैसे कि जमीला ने अपनी मदर से सीखा था वैसे ही अरुण ने अपने फादर से सीख लिया है. सो बट यू हैव नोटिस्ड हियर देयर इज रूपा. रूपा ही लर्न पॉट मेकिंग. जमीला ही लर्न एम्ब्रॉयडरी एंड अरुण लर्न स्टिचिंग. सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. कि क्या है, अलग अलग तरह के ही काम है. कोई पॉट बना रहा है, कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, टेलरिंग का काम कर रहा है. और ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं, टू अर्न मनी. ये सब ये सारे जो काम किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो चीज़ों को बनाएं और उन्हें सेल करें और उन्हें पैसे मिले. तो जो भी हम आप ऐसे काम करते हो पैसे कमाने के लिए, एज आई एक्सप्लेन यू कि वो क्या होता है, आपका ऑक्यूपेशन होता है. तो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि बच्चा कोई भी हो, चाहे आप हैं, आप भी अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत से काम सीख लेते हैं. ठीक है, नाउ सम वर्क्स कैन बी लर्नड एट होम लाइक एम्ब्रॉयडरी, पॉटरी, टेलरिंग एक्सेट्रा. एज आई टोल्ड यू कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि हम घर से ही सीख लेते हैं. एम्ब्रॉयडरी करना हो, पॉटरी करना हो, टेलरिंग करना हो. ठीक है, द चिल्ड्रन लर्न द क्राफ्ट्स फ्रॉम दियर फैमिली मेम्बर. और जो बच्चे हैं वो क्राफ्ट कहाँ से सीखते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से. देयर आर सम जॉब्स डैट पीपल लर्न जस्ट बाय वॉचिंग अदर पीपल लाइक स्वीपर्स, हैंड कार्ट पुलर्स, हॉकर्स, कूलीज, पॉटर्स. सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों को भी देखकर काम को सीख जाते हैं. फॉर एग्जांपल स्वीपर, हैंड कार्ट पुलर. स्वीपर में सफाई करने वाले, हैंड कार्ट जो भी कि हाथ से सामान खींचते हैं वो लोग, हॉकर्स जो वेजिटेबल सेल करते हैं गलियों में आकर आवाज़ें देते हैं, अपने सामान को बेचते हैं, और कूलीज जो सामान उठा के लेके जाते हैं. तो बेटा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ देखकर ही दूसरे लोगों को और काम सीख लेते हैं.
they do not need any special training. उनको किसी भी special training की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे कि हमने पढ़ा है रूपा को जो है उसके फादर ने सिखाया है कि कैसे शेप देनी है, कैसे कलर करना है, और जो जमीला है उसकी मदर ने उसको बताया कैसे कलरफुल थ्रेड्स को यूज़ करना है और किस किस पे आपको और किस तरीके से बॉर्डरी बनानी है. और टेलर जिसे कि उनके फादर ने शायद उन्होंने देख के ही सीखा है, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा कि कितने इंच का कपड़ा लेके कितना काटना है, कितनी लेंथ है, ठीक है ना. बट कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें ज़रूरत ही नहीं होती है. आप सामने वाले को देखो कि अच्छा इससे ऐसे सफाई कर रहा है, ऐसे काट को खींच रहा है, जोर लगाना है, सिर्फ आपको सामान उठा के ही लेके जाना है और सेल करना है, सामान उठा के लेके जाना है घरों पे छोड़ना है, ठीक है. तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमें किसी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है. बट दे आर डूइंग इम्पॉर्टेंट जॉब्स डैट आर नेसेसरी फॉर अस. सो बेटा जो ये लोग हैं, चाहे स्वीपर है, हैंड कार्ट पुलर है, हॉकर्स हैं, कुली है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है. अगर स्वीपर नहीं होगा आपको पता है आपकी जो स्ट्रीट है वो कैसे क्लीन होगी, कौन क्लीन करेगा, वहाँ गार्बेज जो है इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वहाँ से बदबू आनी शुरू हो जाएगी. कोई भारी सामान खींचना है कौन खींचेगा, ठीक है. सब्जी वाला नहीं आएगा सामान देने के लिए आपको, कौन करेगा, कुली. आपका सामान बहुत हैवी लोडेड, कई बार होता है कि हम लोग बैग्स उठाने होते हैं, बहुत से हैवी सामान होता है, सोफ़ाज होते हैं, अगर ये लोग नहीं होंगे तो कौन इस काम को करेगा. तो ये जो काम है, जो ये जॉब करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए. तो हमें इन सब की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वीपर है या हैंड कार्ट पुलर है या हॉकर्स है, कुलीज है, इनको हम रिस्पेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं हमारे लिए, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आज जो बीमारी चली हुई है COVID-19, इसमें बहुत से जो स्वीपर्स हैं कैसे स्ट्रीट्स पे आके क्लीनिंग कर रहे हैं, रिस्क उनको भी है, फिर भी वो हमारी सराउंडिंग को बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं. हॉकर्स आ रहे हैं सब्जी देने के लिए, हमारे इम्पॉर्टेंट जो काम है उनको कुली लेके आ रहे हैं, हम उनको बोल देते हैं प्लीज़ भैया छोड़ दीजिए हमारा सामान, ठीक है, शॉप से ले आइए, तो ये लेके आ रहे हैं. सो ऑल दिस पीपल आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो डियर फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे. टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर. Thank you and have a nice day.